एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंडर अर्थ। दिस इज प्रतिभा राजपूत और आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल ट्रे और कोस्टर सेट। एस यू कैन से द डीपेस्ट ब्लैक एंड रॉयलेस्ट स्पार्कलिंग गोल्ड। यू कैन सी दैट दिस कोस्टर इज सो ग्लॉसी क्योंकि इसको हैंड पेंट करने के बाद हमने किया है रेजिन से कोट। तो आज हम हैंड पेंट कर कुछ हैंड वर्क एम्ब्रोज कर फिर इसको रेजिन से कोट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रे और कोस्टर्स का रफ सेट जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने कारपेंटर से बनवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस ट्रे के ऊपर एक एम्ब्रोजिंग डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सीमेंट, वाइट सीमेंट विद ग्लू एंड आई मेक अ थिक पेस्ट ऑफ इट। After mixing the both ingredients with water and making a thick paste, I am using this stencil. I have made this stencil on my own. You can use stencils available in the market. Stencil को रखकर अच्छी properly और paste को apply करें और with the help of any knife or anything, आप देख सकते हैं कितना अच्छा motif यहाँ पर बनना है। उसी तरीके से अब हम चारों तरफ इन मोटिव्स को बना लेंगे और बना लेने के बाद इस ट्रे को कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इस पर करेंगे कलर। कलर करने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्लैक एक्रेलिक कलर और एज यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड कलर ऑन बोथ ट्री एंड कोस्टर्स। कोस्टर्स पर मैंने गोल्डन से थोड़ा पैटर्न भी बनाया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेंसिल। जो स्टेंसिल के बीच में ये डिज़ाइन है वही सेम डिज़ाइन मैंने कोस्टर्स पे बनाया है। नाउ आई शो यू हाउ टू यूज़ द स्टेंसिल ऑन ट्रे। फर्स्ट सिक्योर द स्टेंसिल बाई यूजिंग मास्किंग टेप जिससे कि ये हिले नहीं। अगर हिलेगा तो हमारा कलर आपस में स्मर्ज जाएगा। और कलर अप्लाई करने के लिए यूजिंग दिस फोम पीस और हल्के हल्के हाथों से हमें डैप करते हुए कलर को अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा जो कलर बच गया है मैं साइड में भी लगा देती हूँ कोस्टर्स के, इट विल लुक ब्यूटीफुल। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जो ये एम्ब्रोज डिज़ाइन हमने बनाया है उस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देते हैं गोल्डन कलर, इससे ट्रे और भी खूबसूरत लगने लगेगी। कलर अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर रख सूखने के लिए रखने के बाद अब देखते हैं कि हमारा कलर कैसा हुआ है। होप कि सब अच्छा ही हुआ हो, आपस में कलर स्मर्श ना हुआ हो। कहीं कहीं पर स्टेंसिल यूज करने के बाद में भी कलर स्मर्ज हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। विद द हेल्प ऑफ फाइन टिप ब्रश यू कैन करेक्ट द डिज़ाइन को बिल्कुल करेक्ट करके हम बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं नाउ इट्स परफेक्टली रेडी एंड नाउ इट्स टाइम टू यूज रेजिन ऑन कोस्टर एंड ट्रे। अब रेजिन को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि वी फर्स्ट सिक्योर आवर हैंड। आई एम यूजिंग दिस इपोक रेजिन। ऑलवेज वियर ग्लव्स एंड मास्क व्हाइल यूजिंग रेजिन। पोक के रेजिन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं जिन इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत केयरफुली पढ़ें। जैसा इन पर लिखा है अगर हम बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। ये रेजिन हम बाय वेट यूज़ करते हैं नॉट बाय वॉल्यूम्स। कुछ रेजिन्स हैं जो हम वॉल्यूम से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए रेजिन का रेशियो रहता है 3:1 बाय वेट। तो वेट करने के लिए डेफिनेटली यू नीड अ वेइंग मशीन। कोस्टर्स पे अप्लाई करने के लिए आई एम यूजिंग दिस 20 ग्राम ऑफ हार्डनर एंड 60 ग्राम्स ऑफ रेजिन। फिर आपको 3 मिनट से लेके 4 मिनट तक का पूरा टाइम इसको धीरे धीरे मिक्स करने में लगाइए। बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको फास्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको स्पीड फास्ट किया हुआ है, लेकिन आई हैव टेकन द होल कंप्लीट टाइम ऑफ 3-4 मिनट्स टू मिक्स दिस प्रॉपरली सो दैट नो बबल्स आर लेफ्ट। और ये बहुत अच्छा रीज़न है, इसमें अपने आप ही रेस्ट करने पर बबल्स निकल जाते हैं और जो छोटे छोटे अगर रह गए हैं तो यू कैन पॉप देम बाय यूजिंग एनी
निडल, टूथपिक और एनीथिंग। रेजिन को सूखने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, लेकिन ऑन टचिंग ये जो है हार्ड महसूस होने लगता है आफ्टर 15 आवर्स, बट टू क्योर इट टेक्स कम्प्लीटली 24 to 72 आवर्स। और आप देखिए कि कितना ग्लॉसी लुक आया एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। इन द सेम वे आई हैव अप्लाइड दिस रेजन ऑन द ट्रे एंड नाउ यू कैन सी दैट द ट्रे इज ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटिफुल। और मैंने ट्रे रेजन को विद द हेल्प ऑफ ब्रश आई हैव ऑल्सो अप्लाइड रेजन ऑन द एजेस एंड एट द साइड ऑफ द ट्रे एंड लेफ्ट दिस ट्रे एट द प्लेस वेयर देर वॉज नो डस्ट। डस्ट फ्री प्लेस होनी बहुत ज़रूरी है, अगर डस्ट होगी तो ख़राब हो जाएगा और जो हम चाहते हैं हमें वो टेक्सचर नहीं मिलेगा। डू लेट मी नो अबाउट द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।